कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में बंदी लगा दी गई है। ये बंदी लगाने के पहले ये सोचा नहीं गया कि इसके परिणाम इस देशवासियों को, खास करके गरीबों को क्या भुगतने पड़ेंगे। सब मजदूर सब जगह फंस गए हैं। मुंबई के वडाला इलाके में जो मजदूरों की कॉलोनी है, वहां पर जाकर हमने जब बात की तो उन्होंने अपना जो दर्द बताया वो हम आपके लिए ला रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। ये कारखाना आपका है क्या? जी। तो क्या काम होता है यहाँ पर? यहाँ पर सिलाई हो रहा है, जॉब वर्कर। जॉब वर्क क्या बनाते हो आप? लेडीज टॉप। तो कितने कामगार हैं आपके यहाँ पर? अभी हमारे पास दोनों गाला मिला के 14 आदमी। 14 आदमी हैं। तो दिहाड़ी पे आपको देना पड़ता है, तो आपको भी जब काम लेते हो तो आप पीस के हिसाब से, मतलब आपको भी पेमेंट मिलता है? पीस के हिसाब से, मार्केट से आता है, यहाँ पीस के हिसाब से हम लोग को देते हैं। तो अभी ये बंदी होने के बाद, ये जो कोरोना की वजह से पूरे देश में बंदी की है, तो ये आपके काम पर क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा। पूरा कारोबार बंद हो गया, हम लोग को मार्केट से पेमेंट नहीं आया। यहाँ हम सब कारीगर को बिठा के जो थोड़ा बहुत था वो अब तक के किए। हाँ, बाकी आज 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ गई। हाँ हाँ। वहाँ लोग का जो बजाज का मोबाइल का है या गाड़ी का है, जो कुछ भी है हमारी, वो नहीं भर पा रहे हैं। बैंक का ऐसा पूरा लोन है हमारा। हाँ। लोन नहीं भर पा रहे हैं। हाँ। अभी ये स्थिति आ गई है कि हो सकेगा तो कल से भूखे मरने लगेंगे। तो अभी बैंक का लोन कौन से बैंक से लिया? इलाहाबाद। इलाहाबाद बैंक से। काय के लिए लिया था आपने? बिजनेस करने के लिए। अच्छा, मशीन वगैरह खरीदा आपने? हाँ, क्योंकि अभी तक जो कैपेसिटी था अपना, थोड़ा बहुत यार दोस्त से या और किसी से ले दे के वो किया गया। हाँ। कारीगर लोग को खर्चा दिया, खाना खिलाया। हाँ। लेकिन अब आगे से क्या होगा ये खुद को नहीं पता। हाँ हाँ। तो सरकार आपको कोई मदद कर रही है क्या इसमें? किसी तरह की मदद आई है क्या आपको? नहीं, सरकार ऐसा कुछ मदद नहीं हम लोग बताइए। हाँ, कोई हम मदद लोग को कुछ राशन मिला ना और कुछ हुआ, कहीं से कुछ मदद नहीं आई। हाँ। तो दौड़ा के मार रहे हैं पुलिस वाले। हाँ, क्यों मार रहे हैं? बाहर रोड के ऊपर निकलोगे जैसे तैसे। हाँ। दौड़ा के मार रहे हैं। इतने बड़े काले पे 8 कारीगर 10 कारीगर अगर बैठे रहेंगे दिन भर। हाँ। तो बैठ के क्या करेंगे? नीचे तो उनको उतरना ही उतरना है। हाँ। और नीचे जैसे उतरोगे तैसे पुलिस वाले मारते हैं। हाँ हाँ। और ये सब यहीं पे रहते हैं, मतलब रात को? हाँ। तो जब काम खत्म हो जाता है तो वो यहीं पे सो जाते हैं? यहीं पर सोते हैं, डीसी वगैरह में खाना खाते हैं होटल में। हाँ। बाकी यहीं पर सोते हैं, यहीं पर नहाते हैं, नहाने वाला बना हुआ है। हाँ। तो अभी ये बीसी बंद हो गई है कि क्या हो रहा है इनका खाने का? मतलब जिसके पास कैपेसिटी है वो दे रहा है खाना, जिसके पास नहीं कैपेसिटी है वो बंद कर दिया। हाँ। और वो भी जो दे भी रहा खाना, पैसा भी मांग रहे हैं खाने का। हाँ। अभी तो जो खाया पैसा हम लोग ने। हाँ। तो पैसा बोले पैसा दो। हाँ। बोले अभी जब मिलेगा तब देंगे ना। हाँ। तब खिलाओ। हाँ। वो लोग बोल रहे हैं कि पैसा दो नहीं तो हम बंद कर देंगे बीसी। हाँ। तो भूखे मरना पड़ेगा ना। अच्छा, और पैसा नहीं है अभी? पैसा नहीं है। तो लेकिन ये उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि आप सब मालिक ने अपने मजदूरों का पगार देना ही चाहिए करके, ऐसे वो ऐसे बोल रहे हैं। तो मालिक हम लोग को पगार देना ही है, लेकिन बट मार्केट से जब हमारे लोग का पैसा आएगा तभी तो हम दे सकते हैं। हाँ। जितना पटेल लोग थे, गुजराती लोग थे, वो लोग सब चले गए गाँव। हाँ। हमारा लोग का कोई पेमेंट नहीं आया मार्केट से। हाँ। बट मेरे सनीचर को ये समझ लो शुक्रवार को रात में गाले पे आग भी लग गई थी यहाँ पर। हाँ। ये देखो पूरा निशान बना हुआ है पूरा। हाँ। ये पूरा अंगार लग गया था यहाँ, कम से कम 4,500 पीस रखा हुआ था। हाँ। कुछ नुकसान भी हुआ है अपना। हाँ। जिसका जिसका माल था वो सामने वाला बोला जब पूरा माल प्रेस हो जाएगा तुम्हारा उसके बाद में हम तुमको पैसा देंगे। हाँ। तब तक ये समस्या आ गई। तो ये सरकार तो बोल रही है कि जो भी मजदूर हैं जिनको हम लोग उनका खाना पीना और उनका देखभाल करेंगे रहने का सब, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोग के पास नहीं पहुंचा। हाँ। उन लोग के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध नहीं मिल रहा, पैसा ही नहीं हमारे पास, कहाँ से लेकर आए? तो आपकी सरकार से क्या मांग होगी? खाने का पूरा व्यवस्था करवाए, ट्रेन चालू करवाए, हम लोग गाँव जाए, हम लोग अपने यहाँ क्या करेंगे? मकान वाले रूम भाड़ा भी चढ़ रहा है अपने ऊपर, ये भाड़े पे है क्या? हाँ, सब पूरा रेंट पे है हमारा लोग का। अच्छा। हमारा 3 जगह है, रूम है, 2 गाला है, सब पूरा रेंट पे है। बिका गाड़ी चालू होगी इन लोग को, वर्कर को हम गांव भेज दें, लोग अपने गांव जाएं। आप जो भी स्कर्ट बनाते हैं एक बताओ ना, ऐसे ये छोटे बच्चों का है क्या? हाँ। और ये बड़ों का है? हाँ। ये हम सब लोग जॉब वर्कर करते हैं। जॉब वर्क करते हैं जी। तो अभी आपका माल गया नहीं, उनका पेमेंट आया नहीं है, और ये सब में से गया तो हमारे लोग का एक रूल रहता है कि भाई तुमको शनिचर या मंडे को पेमेंट देंगे। हाँ। और शनिचर को लॉकडाउन हो गया। हाँ। उन लोग को पता लगा, वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बटोरे चुपचाप साइड में हट गए, बोले लॉकडाउन खुल हो गया तब पेमेंट दूंगा हमको। आपको कितना मिलता है ये बनाने में? मुझे 35 रुपया मिलता है। 35 रुपया मिलता है। अच्छा, जॉब वर्क में। ये कपड़े के साथ के बगैर? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे को बना के दे देना।
अच्छा, कपड़ा उनका आता है, कपड़ा उनका रहता है, कटिंग उनका, कपड़ा उनका, फिर मेरे को मेहनत करना है, धागा लगाना है, लाइट बिल, रूम भाड़ा, वर्कर का चाय नाश्ता जो कुछ भी है, ये 22 रुपए कारीगर को देते हैं हम, बाकी वो जो उतना बच गया 12,000। ठीक है ना, बताओ सर, ऐसा है ना जैसे कि अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से काम पे से जाएंगे तब वहाँ पे घर पे खाना पीना का इंतजाम होता था, फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे बाल बच्चे भी सब परेशान है, एक टाइम जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके दूध के लिए भी इंतजाम नहीं हो पाता है। अच्छा। काम को ऐसा हो जाता है। अच्छा, जब से ये लॉकडाउन हुआ है। हाँ। नहीं तो अपना काम करते थे, शाम को 100-200 ले लेते थे, उसमें पूरा खर्चा चल जाता था, फिर जब हफ्ते में महीने में मिलता था उसमें गुजारा हो जाता, लेकिन अभी सरकार से यह अपील है कि ये खर्चा पानी हमारा जो है ना, इसको उन्होंने देना चाहिए, देना चाहिए। अभी देखो आप तो अपनी मेहनत का खाते हो, मेहनत का कमाते हो, आप इधर मेहनत के लिए बैठे हो, लेकिन अगर आपकी मेहनत, आज आपको रोटी नहीं मिल रही है और आपको कहीं कोई बांट रहा है, वो लेकर खाना पड़ रहा है, तो उससे आपको क्या महसूस होता है, वो मैं पूछ रहा हूँ। ये चीज़ देखो, जहाँ तक अभी इसमें बात फंसी है कि अभी नहीं है तो मजबूरी में लेके खाना पड़ता है। हाँ, ऐसे लगता है मन में, वैसा लग जैसे अपने मेहनत से कमा के खाओ वो अच्छा लगता है। अभी वो ये हो गया जैसे किसी को देना, ये अच्छा नहीं लगता कि जाकर किसी से लो फिर खाओ, उधर जाने में डर लगता है कि पुलिस वाले मारेंगे बीच में। हाँ। अमर होटल के पास कल बुलाए थे शाम को 4-5 बजे के बीच। हाँ। में पर हम लोग गए नहीं, इसके लिए कि बीच में पुलिस रहती है, डंडे से पहले मारती है फिर पूछती है कहाँ जा रही हो। हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा मारती है ये सरकार। ये बोलती है कि हम लोग ने बंदी इसलिए किया कि लोगों को एक दूसरे को करोना नहीं लगे, लेकिन आप तो इतने से रूम में इतने लोग हैं, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ तो करोना लगने का ज़्यादा और डर हो गया इतने सब में? अगर ये चीज़ अगर है सर तो उसमें दिक्कत तो है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना वो साहब ना जाने दे रहे हैं ना आने दे रहे हैं। ट्रेन चालू हो तो उसमें इसको समझ में आता है, कुछ लोग क्या नाम जैसे कि अपने अपने घर निकल रहे हैं, कैसे भी सेठ से बोलेंगे कुछ भी करके कर्जा उधार करके सामने वाला देगा तो चलेगा, जा सकते हैं अपने मुल्क।